हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होली का फेस्टिवल हो और गुजिया ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपनी गुजिया की रेसिपी। मैं उसमें बताऊंगी कितना हमें रेशो रखना है मैदा गूंदने के लिए, अपना फिलिंग बनाने के लिए और सारी डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। गुजिया की फिलिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये है 400 ग्राम्स मावा। मैंने यहाँ पे अमूल का मावा यूज़ किया है जो मार्केट से पैकेट में आता है, और उसको अराउंड 5 मिनट्स के लिए मैंने भूना था। फिर वो ठंडा हो गया है तो मैंने इसको क्रम्बल कर लिया है, एक बाउल में ले लिया है। और हमें चाहिए कुछ चॉप्ड काजूस, ये अराउंड 25 काजूस हैं, 2 टेबलस्पून के अराउंड किशमिश, ये हैं खरबूजे के बीज, इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, ये हैं आलमंड्स, ये भी अराउंड 25 आलमंड्स हैं चॉप्ड, ये है गोले का पाउडर जो ड्राई कोकोनट होता है, 100 ग्राम्स ड्राई कोकोनट उसका पाउडर, इसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है तो ये स्मूथ एक पाउडर बन गया है। ये है पाउडर्ड शुगर, अपने स्वीटनेस के अकॉर्डिंग हम शुगर को ऐड करेंगे। तो अगर हम 400 ग्राम्स मावा ले रहे हैं तो उसमें अराउंड रफली 500 ग्राम्स हम शुगर डालेंगे। तो ये मैं एक कप ले रही हूँ, तो पहले मैं इसमें ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 कप्स, नॉट कम्प्लीटली 2 कप्स, अप्रॉक्स 2 कप्स डाला है। इसको हम मिक्स कर लेंगे और हम बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डाल देंगे, कैश्यूज, रोस्टेड मखान, खरबूजे के बीज, आलमंड्स, किशमिश और ये ड्राई कोकोनट का पाउडर। अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी गुंजी की फिलिंग रेडी हो गई है। थोड़ा सा मैंने इसको टेस्ट करके देखा है, मीठा बिल्कुल सही है। तो हमने 400 ग्राम्स मावे में अराउंड 1 एंड 3/4 कप ऑफ पाउडर्ड शुगर यूज किए। सो हमारी फिलिंग रेडी है। नेक्स्ट हम तो गुंजी के लिए डो लगाएंगे। चलिए अब हम डो लगाते हैं। तो चलिए अब हम गुंजिया के लिए डो लगाते हैं। ये मैंने लिया है अराउंड 500 ग्राम्स ऑफ मैदा, ये है हमारा पानी जो मैंने बहुत ल्यूक वर्म सा लिया है, ये है हमारा देसी घी जो मैंने मेल्ट कर लिया है क्योंकि हम इसमें देसी घी डालेंगे मोहन के लिए। तो ये 500 ग्राम्स ऑफ मैदा है, इसमें मैं अराउंड 1 कप ऑफ घी डालूंगी। हम ये डाल देंगे, इसको हम अच्छे से अब
मिक्स करेंगे पूरी मैदा में अच्छे से, ताकि मोहन हमारा अच्छे से मैदा के अंदर बैठ जाए। तो ये देखिए हमारा मोहन ऐसे होना चाहिए कि इसके हमारे ऐसे ये खट्टी हो जाए, लड्डू की तरह बन जाए। अब ये पानी हमने लिया है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, क्योंकि हमें इसका डो जैसे हम पूरी का डो लगाते हैं उस तरह से लगाना है। तो हम थोड़ा थोड़ा कर, देखिए बस हमें और पानी की जरूरत नहीं है। तो 3/4 कप राउंड पानी लगा है। हमारा डो रेडी है, हम इसको ढक के रख देंगे फॉर अराउंड 30-45 मिनट्स और फिर हम गुंजिया बनाएंगे। तो चलिए हम इसे रेस्ट होने रख देते हैं। तो चलिए अब हमारा डो भी रेडी है, हमारा फिलिंग भी रेडी है। और ये मैंने मैदा में थोड़ी सी मैदा में पानी मिला कर रखा है टू सील द गुंजिया, गुंजिया को सील करने के लिए। ये हम ईयरबड की हेल्प से उसके कॉर्नर्स पे लगा के गुंजिया को सील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी सी बॉल्स लेंगे, गुंजिया को हमें बिल्कुल पतला बेलना है। देखिए बिल्कुल पतला बेला है, इसमें मेरी फिंगर्स आप लोग को दिख रही होंगी। अब हम इसको मशीन के ऊपर रखेंगे, हम इसके बॉर्डर्स पर अच्छे से लाएं, ताकि फ्राई करते हुए हमारी गुंजिया खुले नहीं। ये हमने लगा दिया है, अब हम इसमें अच्छे से फिलिंग करेंगे। गुंजिया खाली नहीं रहनी चाहिए, खाली गुंजिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ये हमने रखा 1 स्पून, थोड़ा सा हम और रख देंगे और ये हमने किया इसको क्लोज। अच्छे एक्स्ट्रा हम ये निकाल कर बाउल में रखेंगे। ये देखिए ये हमारी गुंजिया रेडी हो गई। जल्दी जल्दी हम सारी गुंजिया बना लेते हैं। आई एम टारगेटिंग दैट इतनी मैदा में अप्रॉक्सीमेटली 50 गुंजिया बनेंगी। मैं जल्दी जल्दी सारी गुंजिया बनाती हूँ, फिर जब हम फ्राई करेंगे तब आपसे मिलते हैं। सो ये हमारी गुंजिया बन चुकी हैं सारी। मैंने सोचा था अराउंड 50, सो टोटल 51 गुंजिया बनी है। चलिए तो हम फ्राई करना शुरू करते हैं।
मैंने घी गरम कर लिया था पहले ही। गैस हम तेज नहीं करेंगे क्योंकि मैदा बहुत पतली है तो वो एकदम सिक जाएगी, तो थोड़ी लो फ्लेम पे हम उसे सेकेंगे। तो ये हमारी एक साइड से सिक चुकी हैं, गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब ये बस दूसरी साइड से सिक जाए फिर हम इनको निकाल देंगे। तो मेरी सारी गुजिया फ्राई हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। थैंक यू।